आखिर किसने किया KGF 2 के तमिल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को हासिल, कौन है ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स का मालिक, कैसे मिला था तमिल डब्ड KGF 1 का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बोरीग्राड स्टूडियोज में। आज हम KGF 2 के बारे में कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म KGF जो 2018 में एक धमाकेदार रिलीज बनी थी, अब 2021 में इसका दूसरा चैप्टर भी देखने को मिलने वाला है। जल्द ही सिनेमाघरों में KGF 2 को रिलीज किए जाने की बात सामने आ रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि KGF को सिर्फ हिंदी और तमिल भाषा में नहीं बल्कि और भी कई लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए एक बार फिर से बता दूं, KGF को इन टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु भाषा शामिल है। इन सब की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा कन्नड़ इंडस्ट्री में होने वाली है। इनफैक्ट हमारे इंडिया से ज़्यादा चर्चा कन्नड़ फैन के बीच हो रही है और इसका श्रेय जाता है यश को। जी हाँ, हम सभी जानते हैं यश कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और इसके बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ और इंडियन इंडस्ट्री की तरह ही KGF 2 को रिलीज करने के लिए किस प्रोडक्शन हाउस ने की अथॉरिटी हासिल? इसका जवाब है ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स। जी हाँ, ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने KGF 2 के रिलीज की अथॉरिटी हासिल कर ली है। तमिल में KGF 2 को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ड्रीम वॉरियर्स ने पाया है। प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की कि प्रशांत नील द्वारा निर्देशित KGF 2 के अधिकार को उन्होंने हासिल किया है। इसके प्रीक्वल KGF चैप्टर 1 के तमिल डब्ड वर्जन को अभिनेता विशाल की प्रोडक्शन कंपनी विशाल फिल्म फैक्ट्री द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। हाल ही में फिल्म के निर्माताओं ने भी ये घोषणा की है कि जल्द ही KGF 2 के रिलीज की तारीख भी अनाउंस कर दी जाएगी। दोस्तों, हमारे लिए ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से ऑडियंस ने KGF चैप्टर 1 को प्यार दिया था, क्या वही प्यार KGF चैप्टर 2 को मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।